अध्याय 6 वचन 13 हम देखेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. This was the prayer which was taught by Jesus to his disciples. ये यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाने वाली एक प्रार्थना है। Most of the Christians make this prayer. अधिकांश मसीही इसकी प्रार्थना को करते हैं। But it has got a spiritual meaning that I would like to mention only about this particular text. और वर्तमान जो भाग को हमने पढ़कर के देखा, उसके आत्मिक दृष्टिकोण को मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ। So there are occasions when even without any meaning they narrate this prayer. कई बार ऐसा भी अवसर होता है, अर्थ को समझे बगैर वे इस प्रार्थना को दोहराते रहते हैं। Say for example, even having a dead body, they say, "Give us this day our daily bread." उदाहरण के तौर में एक मृत्यु होने के समय में शव के सामने वे लोग इस रीति से इस प्रार्थना को दोहराते कहते हैं, हमारी दैनिक रोटी हमें तू दे। But this verse has got a deeper meaning than that. किंतु इन वचनों को पढ़ के देखने से उसकी बहुत ही गहरे अर्थों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। I would like to mention only a portion of this verse which we read now. जो भाग को आज हमने पढ़ करके देखा, उसकी विषय में मैं केवल कुछ बातें बताने के लिए आग्रह करता हूँ। Thine is the kingdom, thine is the power, thine is the glory. तेरा ही सामर्थ्य, तेरा ही राज्य है और तेरा ही सिंहासन है। So then, here it is mentioned. I'll only mention about that particular portion. यहाँ पर लिखे हुए इस वचनों से केवल उस सामर्थ्य नहीं तो शक्ति के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। People in this world want power, isn't it? और इस संसार के लोग पराक्रम और शक्ति को पाना चाहते हैं। They want muscle power. वे लोग अपने शारीरिक सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। Money power. पैसों के सामर्थ्य को चाहते हैं। पॉलिटिकल पावर और राजनीतिक शक्ति चाहते हैं। एजुकेशन पावर अपने पढ़ाई की शक्ति चाहते हैं। Somehow or the other, they want to topple others down. उन लोग किसी न किसी रीति से दूसरों के ऊपर पराक्रम के साथ उठना चाहते हैं। I was one such person also. मैं भी किसी समय में ऐसा ही व्यक्ति था। I had a brother who was older to me by more than 5 years. मेरे लिए एक बड़ा भाई है जो मुझसे 5 साल बड़ा था। Often he would bash me up. और वो अक्सर मुझे मारता था। So what I used to do? तो मैं क्या करता? Especially during 10th standard, when I was studying for the 10th standard examination. विशेष करके जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। Early in the morning, I would get up at 4:30. और सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ जाते। Then my parents asked, "Why are you getting up at so early in the morning?" और मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे, तो इतने सुबह 4:30 बजे क्यों उठता है? Can I mention the true reason? और मैंने उसको अपनी सच्चाई बता दी। I want to study. मैंने अपनी सच्चाई नहीं बताया, मैंने कहा मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। Then I want to pray for some time also because I have got my examination coming up. और साथ ही साथ मैंने मेरे पिताजी को यह भी बताया कि मेरी परीक्षा आ रहा है, मैं कुछ समय के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। Some of you are very good, some of you children are very good. I never used to pray. और कुछ बच्चे लोग बहुत ही अच्छे हैं कि तो मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था। But only for the examination that God may bless me. So I used to get up early. किंतु एग्जाम के दिनों में मैं अच्छे नंबर से पास होने के निमित्त मैं भोर को तड़के उठ जाता था। And one more thing I did in between. इसके बीच में और एक काम मैं करता था। I took a crowbar. और मैं सब्बल को हाथ में लेता। Then exercise. और मैं व्यायाम करता। Nobody knew about that. इसके बारे में कोई नहीं जानते। Nobody knew about my intention. मेरे मन की आकांक्षा को भी कोई नहीं जानते। All that I wanted was I wanted extra muscle on my body and bash my brother. मैं केवल इतना ही चाहता था कि मेरा शरीर तगड़ा हो जाए कि मैं मेरे बड़े भाई को मारूं। So here we read about a power. यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ के देखा वो सामर्थ्य नहीं तो शक्ति के बारे में कहता है। It is not to overpower anyone else. It is not to thrash anyone else. और ये एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा सामर्थ्य जो किसी को भी परास्त कर सकता है। But we need power for his kingdom.
किंतु हमें उसके राज्य के लिए एक सामर्थ्य चाहिए. मैन इज वीक, मनुष्य दुर्बल है. मैन हु इज बोर्न इन दिस फ्लेश एंड ब्लड ही इज वीक, मनुष्य जो मांस और शरीर में जन्मा दुर्बल है. सो फॉर दैट गॉड एंडोर्स हिम विथ हिज डिवाइन पावर. इसी के लिए परमेश्वर ने इस दुर्बल मनुष्य को ईश्वरीय सामर्थ्य से नवाजा है, परिपूर्ण किया है. So then, how many of you would like to have that power? कितने लोग भी अपने जीवन में वो स्वर्ग की शक्ति, स्वर्ग के सामर्थ चाहते हो? Will you shout hallelujah? वे लोग हैं हालेलुया बोलिए. Thine is the glory, thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory. तेरी महिमा, तेरी पराक्रम, तेरा राज्य और तेरा सिंहासन. So God has got, God is so powerful. That is why it is mentioned that He is omnipotent. और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है. इन द वर्ड यूज्ड इन लैटिन इज पोसे, और लैटिन भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग किया है वो है पोसे, और एल्स पोसियम, और दूसरे शब्दों में पोसियम शब्द का उपयोग किया है. द थर्ड वर्ड यूज्ड इज पोटेंशिया, और तीसरा शब्द जो है वो पोटेंशिया शब्द है. फ्रॉम दिस पोटेंशिया That English word potential is derived. और इस potential शब्द से ही अंग्रेजी भाषा में potential शब्द का निकला है. In the New Testament, it is the word used is dunamis. नए नियम में इस शब्द को dunamis करके कहा गया है. So you all would have heard about that word, that material called dynamite. Dynamite शब्द को आप सबने सुना होगा. So then, which breaks rocks and mountains. डायनामाइट वो बम है जो चट्टान और पहाड़ों को फोड़ देता है. इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी रीड दिस वर्स. उसी आशय में या उसी अर्थ में इस भाग को हम पढ़ते हैं. व्हेन वी टर्न टू द बुक ऑफ साम 62 वर्स 11, 62 भजन के 11 वचन को पढ़ने से, परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है. God had spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. We don't speak about the power in this world. हम लोग इस संसार के सामर्थ के संबंध में बात नहीं कर रहे. But we speak about the divine power which is from above. हम लोग स्वर्गीय सामर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर से आता है. Jesus while talking to his disciples. यीशु मसीह अपने शिष्यों से बातें करने के समय में. Wait in Jerusalem till you be endowed from with power from above, he said. स्वर्ग से सामर्थ आने तक यरूशलेम में तुम लोग बाट जो हो, इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा. What is the meaning of this word power? ये सामर्थ शब्द का अर्थ क्या है? The faculty of doing anything at any time in any place. किसी भी जगह में, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर गुजरने का वो हिम्मत. It is not intermittent, it is on, not off and on. और ये कभी कभार होने वाली बातें नहीं है. It's not once in a blue moon. और ये कभी कभार होगा ऐसा नहीं. When the Lord fills us with that power. कि तो जब परमेश्वर बहुत सामर्थ से हमें भरेगा. Even in the middle of the night also. मध्य रात्रि में भी. So when devil torments you. जब शैतान आपको सताएगा. You may be going through the valley of the shadow of death. आप मृत्यु के तराई से, अंधकार से होकर के जब जाओगे. You may be all alone, isolated. आप अकेले होंगे, एकांत होंगे. Or you may be in solitude. और आप बिल्कुल भी अकेली परिस्थिति में दिखाई दे रहे होंगे. Even in that juncture, this power is able to sustain us. उस स्थिति में भी यह ईश्वरीय सामर्थ आपको संभालेगा. You may be weak, but the Lord, the power which the Lord would like to give you. It is something very great beyond even your imagination. आप बहुत ही दुर्बल होंगे, किंतु जो सामर्थ परमेश्वर आपको देगा वो आपके ज्ञान और आपके चिंता के परे है, बाहर है. Many say that I'm weak, I'm so weak, I just fall in sin over and over again. कई लोग इस प्रकार कहते हैं, मैं इतना दुर्बल, मैं इतना कमजोर हूँ कि बारंबार पाप में, दुर्बलता में मैं गिर जाता हूँ. But at the same time, when the Lord endows you with this power.
किंतु उसी समय में जब परमेश्वर आपको यह सामर्थ्य भरेगा, यू विल बी एबल टू बोल्डली से लेट द वीक से दैट आई एम स्ट्रांग। उस समय में साहस के साथ आप कहने पाओगे कि दुर्बल भी कहे कि मैं बलवान हूँ। दिस इज नॉट फॉर द एबल वंस, और ये योग्य लोगों के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर इंटेलिजेंट वंस, वो ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इट इज नॉट फॉर capable ones, जो योग्य रखता है या योग्यता रखता है उनके लिए भी नहीं है। It's not for those who say that I'm great in this world, I've got that and this and I've got that qualification and this qualification. जो संसार में यह कहते हैं कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर ये पढ़ाई है, मेरे अंदर वो पढ़ाई है, मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ, उनके लिए ये स्वर्गीय सामर्थ्य नहीं है। It has got nothing to do with the earthly exploits. इस संसार के खोजों से या संसार की बातों से इसका कोई संबंध नहीं। You may be highly qualified or you may be a poor person. आप एक उच्च शिक्षा को प्राप्त किए या आप एक बहुत ही दीन दरिद्र व्यक्ति होंगे। Because God has promised, we are His creation. And he wants to fill us with that thought. क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, हम उसकी सृष्टि है, इसलिए वो हमें इस सामर्थ्य से भर देता है। I would like to just mention one portion from the Bible. एक शास्त्र से एक भाग को मैं केवल आपको बताना चाहूंगा। This power is mentioned in different ways, in different places. अलग अलग स्थानों में इस शक्ति का अलग अलग रीति से उल्लेख किया गया है। When we turn to the book of 1 Kings chapter 19, verse 19. पहला राजा 19वें अध्याय के 19 वचन को पढ़ने के समय में, there it is mentioned as the mantle, mantle, mantle. वहाँ पर एक चादर के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। Kindly read that verse. तब वो वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। So he departed thence and found Elisha the son of Shaphat, who was ploughing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Here Elijah can be compared with our Lord and Savior Jesus Christ. यहाँ पर एलिया को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु के साथ हम तुलना कर सकते हैं। Now here Elisha is a young man. And he's in his earthly pursuits. और यहाँ पर एलिशा एक जवान व्यक्ति है और इस संसारिक रीति से वो उसका पीछा कर रहा है। Now he was plowing with his with the 12th pair of oxen. और वो 12 बैलों के जोड़ के साथ वो भी चलते हुए दिखते हैं, वो खेती करते हुए दिखाई दे रहा है। But the Bible doesn't say whether all those belong to him. बाइबल ये नहीं कहता कि 12 के 12 जोड़े जो बैल वो इसका है। But at the same time, he was plowing with the last pair of oxen. और लेकिन इस प्रकार हम लोग देखने पाते हैं कि वो बैल के द्वारा हल जोत रहा था। He was wholly engrossed in the earthly pursuit. और संसार की बातों में ही वो संपूर्ण रीति से लिप्त था। I want to do this. I want to have a bumper harvest. और मुझको ये करना है, मुझको वो करना है। इस बार मेरी कटनी, मेरा फसल बहुत ज्यादा होना है। But probably he would have heard about this man called Elijah. और उसने शायद ही इस एलिया के बारे में सुना होगा। He would have heard about the power which was displayed through him in Mount Carmel. और कर्मेल पर्वत में एलिया के द्वारा जो सामर्थ के कामों का प्रदर्शन उसने किया, उसके बारे में इसने शायद सुना है। They had not met earlier. इससे पहले वे दोनों कभी आपस में मुलाकात नहीं की। But as we have news here, he would have heard the news. लेकिन जैसे हम समाचार सुनते हैं, इसने भी शायद एलिया का समाचार सुना होगा। Now the Lord commands Elijah, go through the path, go through the way of the desert of Damascus. और परमेश्वर भी एलिया से कहता है, दमस्कस के उस जंगल से, मरुभूमि से होकर के तू जा। Geographically speaking, और भूगोलिक रीति से देखने से, it is almost 160 kilometers away. और ये 160 किलोमीटर की लंबी दूरी है। This Elijah walked all along 160 kilometers. और ये एलिया तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी को तय किया। Now he is passing by. और वो उस रास्ते से गुजरने के समय, he cast his mantle upon him. उसने अपना चादर उसके ऊपर फेंक दिया। So this mantle shows power and authority. और ये चादर सामर्थ और अधिकार को दिखाता है। Literally speaking, what do we read about this mantle? इस चादर के संबंध में अक्षर रीति से हम क्या पढ़ते हैं? We read about 4 or 5 things about it. इसके बारे में 4-5 बातें हम देखते हैं। So this mantle is made out of sheepskin.
और ये जो चादर है वो भेड़ के चमड़े से बना हुआ है. इट इज ए लूज गार्मेंट विच इज वोन ओवर द टॉप ओवर द अदर गार्मेंट्स. ये एक ढीला ढाला चादर है जो अन्य वस्त्रों के ऊपर डाला जाता है. Why were they using this? क्यों इसका प्रयोग करते हैं? One reason was to defend themselves against the vagaries of weather. और एक कारण है जो बहुत ही भयंकर जो मौसम है उसका सामना करने के लिए. So then it is either extreme cold. People who go to the Middle East, places like Kuwait and Saudi, you know about it. Middle East में या खाड़ी देश में जाने वाले लोग वहाँ के मौसम के बारे में जानते हैं. या तो वो बहुत ठंडा होगा या तो बहुत गर्मी होगा. They could cover themselves up with this. इस समय में वे लोग इस चादर से अपने आप को ढांपते हैं. But on the other hand, during summer, दूसरे समय में जब गर्मी का मौसम आता है, they would use it to shelter from the extreme heat. और बहुत अत्यधिक धूप से, कड़ी धूप से बचने के लिए वे लोग अपने आप को चादर के नीचे छुपाते हैं. Thirdly, तीसरा, there is something called sandstorm in the desert. मरुभूमि में बालू की तूफान नहीं तो रेत का तूफान करके हम तो जानते हैं. When there is a sandstorm, it will prick you like a needle. और जब जब इस रेत का आंधी आता है, तूफान आता है, एक एक रेत जो है वो हमारे शरीर में सुई के समान चुभता है. To cover themselves with. और अपने आप को ढांपने के निमित्त. Fourthly. चौथा, इट वॉज लॉन्ग इनफ यू कुड यूज इट एज ए बेड एंड कवर योरसेल्फ अप ऑल्सो व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द ओपन एयर. ये चादर इतना लंबा और चौड़ा होता है कि रात में सोने के समय में इसे बिछोने के समान और ओढ़ने के लिए चादर के समान एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. सैमुएल हैड दिस मेंटल इट इज मेंशन. और शास्त्र में लिखा है शामुएल के पास ये चादर था. जोब हैड दिस मेंटल. अय्यूब के पास भी ये चादर था. एज़रा हैड दिस मेंटल. एज़रा के पास था. नाउ वी सी अबाउट द मेंटल ऑफ एलाइजा आल्सो. अब यहाँ पर एलिया के चादर को हम देखते हैं. नाउ द मेंटल इज फॉलिंग अपॉन ए यंग मैन कॉल्ड एलाइशा. अभी ये एलिया का चादर एक जवान एलिशा के ऊपर देखो आ गिरा. यू मे बी लिसनिंग टू द मैसेज टुनाइट. आज की रात आप एक संदेश को सुन रहे हो. यू मे बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू मे नॉट बी. आप एक परमेश्वर के संतान हो या ना हो. हियर ही डिड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद गॉड सो फार. यहाँ पर अभी तक इस जवान का ईश्वर के साथ कोई संबंध के बारे में हम नहीं देखते. इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड और नॉट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर के संतान हो या नहीं हो. इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ न्यू सोल और एन ओल्ड बिलीवर. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नए नए यहाँ पर आए हो या आप एक पुराने विश्वासी हो. इट डजंट मैटर whether you are a servant of God or a believer either. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सेवक हो या आप एक विश्वासी हो. Don't come to the blind conclusion when it is mentioned mantle falling upon, you should leave everything and then come for the ministry. एक अंधविश्वास या अंधे रीति से आप ये मत सोचिएगा कि जैसे ही चादर मेरे पर गिरेगा सब कुछ छोड़ करके मुझे सेवा में जाना पड़ेगा. No, it has got different meaning. इसके और भी अन्य अन्य अर्थ है. All that I would like to mention is it is a life changing mantle. मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि ये चादर जीवन बदल देने वाला चादर है. If that mantle falls upon you tonight, आज की रात अगर ये चादर आपके ऊपर गिर जाए, sometimes you may be struggling with sin. आप पाप से शायद संघर्ष कर रहे होंगे. You want to live a holy life, you are unable to. आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हो लेकिन जी नहीं पाते. You say that I am very weak, I fall over and over, I am falling in the same sin. आप इस प्रकार कहते हो कि मैं इतना दुर्बल हूँ, एक ही पाप में बार 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 गिरता रहता हूँ. So first, this Elijah can be compared. Can be compared with our Lord and Savior Jesus Christ. सबसे पहले इस बात को जान ले कि ये एलिया हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलनात्मक रीति में हम देख सकते हैं. And next, you must understand it is a type for a true servant of God also, true child of God also. और उसी के साथ साथ आप इस बात को भी मान लेना चाहिए कि ये एलिया परमेश्वर के एक दास, परमेश्वर के एक भक्त, परमेश्वर के एक संतान भी है. As I mentioned earlier, जैसे मैंने आपको पहले बताया, this Elisha would have heard so many things which happened in Samaria with the king of Israel. इज़राइल के राजा समरिया के देश के संबंध में एलिशा ने कई बात सुना होगा. No. His mantle is falling upon him. लेकिन वो चादर देखो अभी एलिशा के ऊपर गिर रहा है. Now this Elijah was a role model for him. और ये एलिया जो है वो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नमूना है. We all look for role models, isn't it? हम लोग हमेशा हमारे जीवन में ऐसा कोई नमूना को, एक विशेष व्यक्ति को हम लोग
देखते रहते हैं. टुडे व्हेन दैट फॉल्स अपॉन यू, आज जब ये आपके ऊपर गिरेगा, यू आर गोइंग आफ्टर अ ट्रू रोल मॉडल, आप एक सच्चे नमूना का पीछा करोगे. यू मे बी वर्शिपिंग हियर एंड देयर एंड एल्सवेयर, आप इधर उधर शायद कहीं भी आप आराधना करते होंगे. यू हर्ड द टेस्टिमनी ऑफ दैट बिलवड सिस्टर, उस बहन के विषय में आपने गवाही सुना. शी वॉज अ फैशनेबल लेडी, वो एक फैशन करने वाली महिला थी, जस्ट नेम से क्रिश्चियन, और वो एक नामधारी मसीही थी. बट एट द सेम टाइम व्हेन शी अंडरस्टूड अबाउट द ट्रूथ, लेकिन जैसे उसने सच्चाई को समझा, she would have seen so many people who were seen as role models before her. उससे पहले कई प्रकार के नमूनों को अपने जीवन में देखा होगा. I'll give you a small example. एक छोटा सा उदाहरण मैं कहूंगा. In New York, there is something called Bowery Mission. न्यूयॉर्क में बोरी मिशन बोल करके जो कहलाया जाता है, BOWERY, बौरी मिशन करके जो कहलाया जाता है, इट इज अ मिशन विच इज यूज्ड वेयर इनवैलिड्स, ड्रंकर्स. इट इज अ क्रिश्चियन मिशन होम वेयर पीपल हु आर इन द स्ट्रीट्स, दे वर ब्रॉट देयर हाउस, देन दे आर क्लीन, and then afterwards it is something like a rehabilitation center. और ये जो बौरी मिशन जो है एक मसीहों का एक अनुष्ठान है, नहीं तो संस्था है, जहाँ पर ऐसे लोग जो सड़क में पड़े रहते हैं, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं या कई प्रकार के लाचार अवस्था में, उन लोगों के लिए मदद करने के लिए, रहने के लिए ठिकाना स्वरूप ये संस्था काम करती है. There was a person called Joe. Joe नामक एक व्यक्ति, he was a drunkard. वो एक पियक्कड़ था. And he was a winnow. In English they say winnow. He got involved in every evil vice. Or angreji mein winnow arthat wo ek aisa vyakti tha jo har ek bure kamon mein laga rehta, nahi to phasa rehta tha. Nobody could control him. Koi use niyantran nahi kar sakta. He was fit for a ghetto. Ghetto means worst prison. और वो एक बहुत ही बुरे बंदीगृह में डाले जाने के मात्र योग्य था. But the love of God came in search of him. लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको ढूंढ के आया. एवरीथिंग चेंज इन हिज लाइफ, उसके जीवन में सब बदल गया. लेटर ही जॉइन्ड दैट मिशन, बाद में वो व्यक्ति इस मिशन ने तो इस अनुष्ठान में जुड़ गया. एंड ही स्टार्टेड टू हेल्प अदर्स, अब वो दूसरों की मदद करने लगा. ए ड्रंकर्ड वुड बी ब्रॉट देयर एंड देन ही वुड क्लीन देम अप. एक पियक्कड़ जब आता है उसको वो साफ करता है, साफ सुथरा करता है. ही वुड नॉट माइंड टू वाइप देम एंड देन डू एवरीथिंग फॉर देम. उसको उस पियक्कड़ व्यक्ति के गंदगी को साफ करने के लिए कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं आता, बहुत सुंदर रीति से करता है. एंड टू टक देम अप इन द बेड, और उसको खाट में सुलाने के लिए, वॉशिंग टॉयलेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर हिम. शौचालय को साफ करने के लिए, अन्य साफ सुथरा का काम करने के लिए उसको कोई भी शर्मिंदा नहीं होता. एवरीवन वाज वॉचिंग हिम, हर कोई इसको देखता रहता है. ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ही डिड नॉट डू दोस थिंग्स विद अ फ्राउन. और he did not do these things, you know, that is without any desire. और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई काम बिना किसी आग्रह से कर रहा हो. But at the same time he did everything with a smile. लेकिन वो हर काम जो यहाँ करता है मुस्कुराते हुए, खुशी के साथ करता है. There was a special meeting in that mission. उस मिशन में, अनुष्ठान में एक विशेष सभा हुआ. That director was conducting that evening session. और director संध्या सभा चला रहे थे. The word of God proceeded with all power and authority. परमेश्वर का वचन पूरे सामत अधिकार से वहाँ पर पेश हुआ. A drunkard came. पियक्कड़ आए. Then he listened to the word of God. वचन को सुना. Then after when the altar call was given, he came forward. और जब वेदी की पुकार हुआ तो वो आगे आया. He was there for quite some time. वो कुछ समय के लिए वहाँ पर था. So he was there in mission home. He was housed in that mission home. वो उस मिशन होम में ही रहता था. उसके लिए वहाँ पर भी एक रहने का जगह है. That particular day he gave his heart to Jesus. उस खास दिन में उसने अपना दिल को उसने यीशु को दे दिया. And afterwards he knelt down and said, Lord Jesus, make me like that Joe. Make me like that Joe. Make me like that Joe. और उसके बाद वो घुटने टेक करके वहाँ पर इस रीति से दोहराते हुए प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे भी जो के समान बना दे. Then the director bent down and said, और वो डायरेक्टर झुक के उससे कहा, Son, will it not be good for you to be like Jesus? बेटा, क्या ये तेरे लिए अच्छा न होगा कि तू यीशु के समान बने? Why don't you pray that you will become like Jesus? क्यों तू ऐसा प्रार्थना नहीं करता कि मैं यीशु के समान बनूंगा? You know what was the reply that he gave? पता है उस पियक्कड़ जवान व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? Is Jesus like this Joe? क्या यीशु मसीह भी जो के समान है?
such a wonderful transformation in his life. Itna sundar ek adbhut rupantar ek parivartan uske jeevan mein hua hai. One day the word of God came to him. Ek din parmeshwar ka vachan uske paas aaya. The mantle of Elijah fell upon him. Elia ka chadar uske upar gira. His life changed altogether. Uska jeevan sampurn reeti se badal gaya. How many of you want to be a role model to others? Kitne log dusron ke liye ek adarsh ek namuna banna chahte ho? Some follow wrong pattern. Kai log galat namuna ka peecha karte hain. Going along with the language, state, culture. उन लोग अपने देश अपने संस्कृति अपने भाषा के पीछे जाते हैं. नो देयर इज समथिंग कॉल्ड समथिंग बियॉन्ड दैट. नहीं, ये जो अनुभव है इससे भी परे इससे भी बाहर है. दैट गुड एलाइजा आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट यू विल फॉलो हिम. उस अच्छा एलिया जो हमारे यीशु मसीह के समान दिखाई देने वाला हम उस यीशु के पीछे होना है. इफ द राइट मैंटल फॉल्स अपॉन यू एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस. अगर सही जगह में सही समय में सही चादर अगर आपके ऊपर गिरे. यू विल नॉट फॉलो आफ्टर दिस रॉन्ग एग्जाम्पल्स. आप इस गलत नमूना या आदर्श या उदाहरणों के पीछे नहीं जाओगे. टुडे नॉट ओनली यंग वंस इवन अदर्स विल बी ऑल्सो टच्ड बाय द पावर ऑफ गॉड आई बिलीव. आज केवल जवान नहीं किंतु हर एक लोग आज परमेश्वर के सामर्थ को स्पर्श करेंगे यह मेरा विश्वास है. प्रेज बी टू गॉड. परमेश्वर की स्तुति हो. द वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग टू यू टुनाइट. आज की रात परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर यू मे बी इवन अ सर्वेंट ऑफ गॉड. मैं आपसे जैसे पहले कहा हो सकता है कि आप एक परमेश्वर के दास या सेवक हो. मैंटल डिड नॉट फॉल ऑन हिम वंस. It fell on him the other time also. केवल एक ही बार पहली बार यहाँ पर एलिया के ऊपर नहीं गिरा बार बार कई बार उसके ऊपर यह चादर गिरा है. I'll come to that later. मैं उसके विषय में बाद में कहूंगा. So today, now what has happened in his life? अभी इसके जीवन में क्या हो रहा है? Elijah did not speak anything to him. या एलिया ने इससे कोई बात नहीं किया. He did not preach anything to him. उसने उस एलिशा को कोई प्रचार नहीं किया. But on that mantle there was a great power. किंतु उस चादर में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य था. Today you want that mantle to fall upon you. क्या वो चादर आज चाहते हो कि आपके ऊपर गिरे? You believe that this mantle can change you forever? क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि ये चादर मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरा जीवन पूरा बदल जाएगा? Do you believe that you will never be the same? क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि मैं दोबारा पहले जैसा ना होऊंगा? All those who would like to change alone shout hallelujah. जो लोग चाहते हैं कि मैं संपूर्ण रीति से बदल जाऊंगा उन लोग ही केवल हालेलुया बोलिए. When that falls upon you, जब वो आपके ऊपर गिरेगा, you need not ask for anything. आपको कुछ पूछने मांगने की जरूरत नहीं है. You will get gifts, talents, grace and everything for that. आपको उसके साथ ही साथ सारा वरदान सारा दान और सारी अनुग्रह भी मिलेगा. Don't ask for gifts. आप वरदान को मांगिए मत. No need for you ask for gifts. आपको वरदान मांगने की जरूरत नहीं है. All that you want is Lord help me that I may follow you. केवल आप इतना प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी मदद कर कि मैं तेरे पीछे पीछे हो लूं. There must be a great transformation in my life. That is more important. मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं चाहता हूं बस वही मेरे को चाहत है. I want to follow my master. That is more important. मैं मेरे मास्टर में मेरे चलाने वाले के पीछे चलूं यही मेरा आग्रह है. You see how many youths are after this earthly pursuit? आज कई जवानों को देखो जो सांसारिक बातों का पीछा कर रहे हैं. They want to study. वे लोग पढ़ना चाहते और पढ़ना चाहते हैं. वी आर नॉट अगेंस्ट योर स्टडीज. हम आपके पढ़ाई के विरुद्ध नहीं. बट एट द सेम टाइम यू मस्ट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट. लेकिन उसके साथ ही साथ इस पढ़ाई से भी बढ़कर के कुछ है. इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस यू शुड फॉलो दैट गुड Elijah, our Lord and Savior Jesus Christ. इन सारी बातों के मध्य में आप उस एलिया स्वरूप हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहिए. फ्यू इयर्स पास बाय. कुछ साल बीत गया. नाउ वी आर I cannot mention all the instances which took place after this. इसके बाद जो सारी घटनाएं हुई सब बातों को बोलने का समय नहीं. Now the time has come for Elijah to be taken up. अभी एक वो समय आया जहाँ पर एलिया उठा लिया जाना है. We don't have much time now. और अभी समय ज्यादा नहीं है. Very soon we'll be raptured. बहुत ही शीघ्र आगमन हो जाएगा उठा लिए जाएंगे. So for that before that you'll have to pass through 4 places. इससे पहले आपको 4 स्थानों से होके गुजरना है. What is the first place? कौन सा पहला स्थान? We return to the book of second Kings chapter 2 verse 1. दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन को पढ़ने से. जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले. एंड इट केम टू पास व्हेन द लॉर्ड वुड टेक अप एलिजा इनटू हेवन बाय अ व्हर्लविंड
that Elijah went with Elisha from Gilgal. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. He went to a place called Gilgal. वे लोग गिलगाल नामक स्थान में गए. What is the meaning of the word Gilgal? गिलगाल नाम शब्द का अर्थ क्या है? Reproach rolled away. निंदा लुढ़क गया. To be more specific. और खास रीति से कहे तो the reproach of Egypt is departed. मिस्र देश का जो निंदा था देखो अब लुढ़क गया. What was one of the reproach? उस निंदा one of the reproaches? उस निंदाओं में एक निंदा क्या? Egyptians were making fun of them. मिस्री उनके ठट्टा परिहास करते थे. You see, God took you into this wilderness. परमेश्वर देखो आप लोग को मरुभूमि में ले गया है. You see, how many were destroyed? कितने लोग इस मरुभूमि में नष्ट हो गए. Is he able to take you to the other shore? क्या आपको उस पार आपका ईश्वर ले पाया? So therefore, you don't be worried about any of those things. इसके लिए इन सारी बातों के विषय में आप चिंतित ना हो. Egypt makes you reproachful. मिस्र आपको कई प्रकार की निंदा देगा. When you commit sin, it is a reproach for any person. जब एक व्यक्ति पाप करता है हर किसी व्यक्ति के लिए वो एक निंदा का कारण होता है. You may be held in high esteem in this world. आप इस संसार में नाम और शोहरत उच्च स्थान को पाए हुए होंगे. What do we read in the book of Proverbs chapter 14 verse 34? नीति वचन 14 के 34 में हम क्या पढ़ते हैं? जाति जाति की बढ़ती धर्म इससे होती है परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Righteousness exalts a nation. जाति की बढ़ती से धर्म 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 ही से होती है. Sin is a reproach. किंतु पाप एक अपमान है. Is there anyone who is still living in sin? क्या अभी भी यहाँ पर कोई है जो अब भी पाप में जीवन जी रहा है? Today let that sin, burden of sin roll away from you. आज आपके जीवन से पाप का बोझ लुढ़क जाने दे, निकल जाने दे. Sometimes you would not have attended first two days of the convention. हो सकता है कि पहले दो दिन की इस सम्मेलन के सभा में आप शामिल ना हुए हो. Don't say that you are here by chance. आप ऐसा ना को अकस्मात अचानक मैं यहाँ पर आ गया. No, God has brought you here with a specific purpose. ना, परमेश्वर एक खास उद्देश्य के साथ आपको यहाँ लाया है. The mantle has fallen upon you. एक चादर आपके ऊपर गिरेगा. It leads you to Gilgal. और वो आपको गिलगाल ले जाएगा. All your burdens must roll away. आपका सारा बोझ लुढ़क जाएगा. Some are worried about the burden of sin. कई लोग पाप के बोझ के बारे में चिंतित. Some are worried about the burden of sickness. कई लोग अपने बीमारी के बोझ से पीड़ित चिंतित. You heard the testimony of that beloved sister. अपने प्रिय बहन की साक्षी सुना. See, her mother is living in for the past 10 years. और उसकी माँ पिछले 10 साल से जीवित अवस्था में है. Our Jesus is alive. You must understand. हमारे यीशु जीवित है इस बात को समझ ले. So therefore, he is able to take away all your burdens. वो यीशु आपके सारे बोझ उठा लेगा. Time doesn't permit me to speak more on this. इन सारी बातों को ज्यादा बोलने के लिए समय अनुमति नहीं दे रहा. In 2 Kings chapter 2 verse 2, what do we read? दूसरा राजा दूसरे वचन के दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में क्या पढ़ते हैं? He goes to a place called Bethel. वे लोग दूसरे स्थान में गए जिसको बेथेल करके कहा जाता है. एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे. एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वे बेतेल को चले गए. एंड इलाइजा सेड अनटू इलाइशा, टैरी हियर आई प्रे दी, फॉर द लॉर्ड हैथ सेंट मी टू बेतेल. एंड इलाइजा सेड अनटू हिम, एज द लॉर्ड लिवेथ एंड एज थाय सोल लिवेथ, आई विल नॉट लीव दी. सो दे वेंट डाउन टू बेतेल. सम ऑफ यू हु नो द बाइबल नो व्हाट दिस बेतेल इज. जो लोग बाइबल शास्त्र को पढ़ते हैं वे लोग बेतेल क्या है जानते होंगे. वी सी अबाउट दैट इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28. उत्पत्ति की किताब के 28 अध्याय में बेतेल के बारे में हम पढ़ते हैं. When Jacob was running away from his brother, जब याकूब अपने भाई से भाग रहा था, Esau said, "I am going to kill him." एसाव ने जब कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, he was running away from there. वो उस समय में उस स्थान से भाग रहा था. Now he is seeing wonderful visions. उसने एक सुंदर दर्शन देखा. Now to cut the story short, और कहानी को संक्षिप्त में कहूँ तो, now what does he say? उसने क्या कहा? So then he places that early in the morning, he places that pillar. और उसने भोर तड़के उठ करके उस पत्थर को एक पिल्लर स्वरूप वहाँ पर खंबा बना के खड़ा किया. He pours oil over that. और उस खंबे के ऊपर उसने तेल डाला. Later, after returning from Padan Aram, और पदनाराम से वापस आने के बाद, when we read from the book of
Genesis chapter 35 verse 14. और उत्पत्ति की किताब 35वें अध्याय के 14 वचन को जो हम पढ़ते हैं, He places one more stone close to that. उसी खंबे पत्थर के खंबे के पास और एक पत्थर का खंबा खड़ा किया. He pours oil as well as drink offering. और वहां पर उसने तेल को उंडेला, साथ ही साथ पे बलि को भी उसने चढ़ाया. When that mantle falls upon you, जब एक चादर रापटी ऊपर गिरेगा, it leads you not only to Gilgal, ना केवल वो आपको गिलगाल लेके जाएगा, it leads you to Bethel also, वो आपको बेथेल भी ले जाएगा. The meaning of the word Bethel is the church of God. बेथेल शब्द का अर्थ है परमेश्वर की कलीसिया, नहीं तो मंडली. When that mantle has fallen upon you, when the power of God has fallen upon you, जब परमेश्वर का सामर्थ और जब परमेश्वर की ये चादर जब आपके ऊपर गिरेगा, you go to a place called Bethel. आप बेथेल नामक स्थान में जाओगे. Bethel is a place where there are two stones. बेथेल वो स्थान है जहाँ पर दो पत्थर खड़ा किया गया है. In chapter 28 verse 18 we see he poured oil over that. उस उत्पत्ति किताब 28 के 18 में हम देखते हैं कि उसने उस पत्थर के ऊपर तेल उंडेला. In 35:14 he pours oil as well as drink offering. और 35वें अध्याय के 14 वचन में हम लोग पढ़ने के समय में उसने उस पत्थर के ऊपर तेल भी डाला और पे बलि भी उसने चढ़ाया. The first stone denotes an anointed child of God. First stone denotes an anointed child of God. पहला जो 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 चट्टान है वो एक अभिषिक्त परमेश्वर के संतान को दिखाता है. The second stone shows a servant of God. और दूसरा जो चट्टान है या पत्थर जो है वो सेवक को दिखाता है. He not only has anointing, even drink offering was poured. St. Paul says, I pour myself as drink offering. और वो केवल अपने वो एक अभिषेक को केवल पाया, इतना नहीं किंतु जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं अर्ध की नहीं अपने आप को उंडेल लेता हूँ, वैसे ही वो अपने जीवन को प्रभु के लिए दे देगा. Dear child of God, you may be running here and there. प्रिय परमेश्वर के संतान, शायद आप इधर उधर दौड़ते होंगे. One day one assembly, the other day another assembly. एक दिन एक कलीसिया तो दूसरे दिन दूसरी कलीसिया. We don't claim to be the best of all assemblies. हम ये दावा नहीं करते कि सारे कलीसियों में हम श्रेष्ठ हैं. But at the same time, there is a group. The Lord has chosen a group of people who may nurture you, who care for you, who are as fathers and mothers for you. किंतु उसी समय में आप इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने एक झुंड के सेवकों को इस प्रकार चुन लिया है जो माँ के समान, एक पिता के समान आपका लालन पालन करे और आपको शिक्षा दे करके बढ़ाए. One day Pastor T.U. Thomas gave a beautiful sermon in Dubai. दुबई में पास्टर T.U. Thomas एक दिन बहुत ही सुंदर संदेश को दिए. So then, we don't claim to be the best of the groups. हम ये नहीं कहते कि सारे दलों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं. There may be other groups also who are living a better life than us. We don't know. हम नहीं जानते कि हमसे बेहतरीन जीवन और भी कोई जीता होगा. But at the same time, God has put me in this inn and He has asked me to remain there. लेकिन उसी समय में परमेश्वर ने इसी सराय में हमको रखा है और कहा कि यहाँ रह करके सेवा करो. Have you come here without having any revelation? क्या आप यहाँ पर किसना बिना किसी प्रकाशन के आए हो? All those who believe that it is the Lord who brought me into this inn, will you shout hallelujah? जितने लोग ये कहते हैं कि इस सराय में मेरा परमेश्वर नहीं मुझे लेकर आया, बोले कि जोदर हलीले बोलिए. One thing you should know, you know there is a saying in Kerala. केरला में इस प्रकार एक कहावत है. A person who has this understanding, जिसके अंदर यह समझ है. Person who has this revelation about the church of God, परमेश्वर की कलीसिया के विषय में जिसको यह प्रकाशन है. Even if the pastor takes a broom, dips it in the cow dung and beats you also, you will never run away, it seems. अगर पास्टर जी झाड़ू को लेकर के गोबर में डुबा के अगर आपको मार के भगाए तो भी आप भागोगे नहीं. Don't be afraid. No pastor will beat you like that. डरो मत. कोई पास्टर आपको ऐसे मारेगा नहीं. Perhaps by chance, if some pastor does that also, he will never run away because where else can I go? पर फिर भी अगर कोई पास्टर ऐसा कर भी दे, तो जिसके अंदर ये दर्शन है, प्रकाशन है, वो कभी भागेगा नहीं. God has given us a revelation about this Bethel. इस बेथेल के बारे में परमेश्वर ने एक प्रकाशन हमको दिया है. God has called me to Bethel. परमेश्वर ने मुझे बेथेल बुलाया. God has brought me to the house of God. परमेश्वर ने उसके भवन में मुझे लाया. Remain in the church of God. परमेश्वर के भवन में रहते. When we turn to the book of Hebrews chapter 3 verse 6. जब इब्रानी की पत्री तीसरा अध्याय के 6 वचन को हम पढ़ते हैं. Whose house are we if we hold fast the confidence and courage till the end? और जिस
बनाने वाले के पास हम लोग रहते हैं, उसमें हम लोग पकड़ते हुए हम लोग दृढ़ता के साथ रहना चाहिए. Till the end. अंतिम समय तक. Read that verse. Hebrews chapter 3 verse 6. परमसी पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है. यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गमन पर अंततः दृढ़ता से स्थिर रहे. But Christ has a son over his own house. Whose house are we if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end? God has brought us to this place called Bethel. परमेश्वर इस बेथेल नामक स्थान में हमें लाया है. Now what happens? अब क्या हुआ? Remain there. God has brought you here. God has preserved you so far. And there will be trials and temptation to pluck you out from this place. आप इस बेथेल में बने रहना चाहिए. आप वहीं पर स्थिर बने रहना चाहिए. ऐसा एक परीक्षा क्लेश आएगा जो आपको उस स्थान से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा. A person who doesn't have this revelation of Bethel will not be able to press forward in his spiritual life. जिस व्यक्ति के जीवन में बेथेल का दर्शन प्रकाशन नहीं है वो इस स्थान में बना रहने नहीं पाएगा. Then which is the third place he goes to? और तीसरा स्थान कौन सा है जहाँ पर ये गया? When we turn to 2 Kings chapter 2 verse 4. दूसरा राजा दूसरा अध्याय चौथा वचन में. और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे. उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का. सो वे यरीहो को आए. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. The Lord has asked me to go to Jericho. परमेश्वर ने मुझे यरीहो जाने को कहा करके एलिया ने कहा. What is the meaning of the word Jericho? यरीहो शब्द का अर्थ क्या है? Jericho denotes two spiritual experiences. यरीहो आत्मिक जीवन के दो बातों को दिखाता है. One is it is called the city of palm trees in the book of 2 Chronicles chapter 28 verse 50. और दूसरा इतिहास 28 अध्याय के 15 वचन में ये खजूर के पेड़ का एक नगरी है. Fruit giving experience. ये एक फल देने वाला अनुभव है. It is a desert, it is a jungle, but in the midst of that, this palm gives forth fruit. ये स्थान एक मरुभूमि में सूखा जंगल के समान है, उसके मध्य में भी ये एक खजूर के पेड़ के समान फल देते रहता है. Even when everything is left high and dry, you'll be able to give forth fruit. और जब कुछ सब कुछ सूखा हो जाता है उस समय में भी ये फल देता है. What is the second thing mentioned about it? यरीहो के बारे में दूसरा विषय क्या है? The first thing which comes to our mind is how God gave victory through to the children of Israel through praise. और पहली बात जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि किस रीति से परमेश्वर ने इज़राइल के संतानों को स्तुति के द्वारा यरीहो के ऊपर जय दिया. A child of God must get up for morning praising every day. परमेश्वर का संतान हर एक सुबह की स्तुति प्रार्थना के लिए उठना चाहिए. All those who got up for morning praising today shout hallelujah. जितने भी लोग आज सुबह स्तुति प्रार्थना में उठे हुए जोरदार हालेलुया बोलिए. Not all those who got up for morning praising alone. सब लोग को हालेलुया बोलने के लिए नहीं कहा. आज सुबह 4 बजे जो उठ के स्तुति प्रार्थना में शामिल हुए उन लोग बोलिएगा. All those who got up for morning praising, lift up your hands and shout hallelujah. Okay, now don't be a liar. All those who did not get up for morning praising, shout hallelujah. अभी आप झूठा नहीं होना. जो सुबह के स्तुति प्रार्थना में नहीं गए वे लोग हाथ उठे हालेलुया बोलिए. I think many more did not get up for morning praising. बहुत सारे लोग सुबह की स्तुति प्रार्थना में नहीं उठे. All those who will make a decision today, as far as possible, I'll never miss a morning praising shout hallelujah. जो लोग अब ये निर्णय लेते हैं अब से लेकर के सुबह के स्तुति प्रार्थना को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जितना हो सके मैं जाऊंगा, ऐसे निर्णय लेने वाले हालेलुया बोलिए. Through praise, when they shouted. So walls of Jericho fell flat, it is mentioned. स्तुति के द्वारा जब उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा किया उस समय में यरीहो की दीवार गिर के समभूमि हो गया करके बाइबल कहता है. नो वॉल विल बी कंसिडर्ड टू बी इम्प्रेग्नेबल, वेरी स्ट्रांग. नॉट इट यू कैनॉट से दैट दिस विल नॉट मूव.
और ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसको आप इस प्रकार कह सकते कि ये कभी भी हिलेगा नहीं है, उसको हम लोग उसके ऊपर जय नहीं पा सकते। You may have so many trials and temptations. आपके जीवन में बहुत सारे क्लेश और परीक्षाएं होंगी। As our beloved pastor mentions often. जिस प्रकार पास्टर जी ने हमारे बीच में कहा, Lift up your hands and praise God. परमेश्वर में हाथ उठा के धन्यवाद करते रहो। Without Jericho, there is no coming of the Lord. और यरीहो के बिना प्रभु का आगमन नहीं है। So you lift up your hands and praise God for all things. आप सारी बातों के लिए हाथ उठा के स्तुति करना चाहिए। So then we often praise God after the Lord has answered our prayers. और हम लोग अक्सर हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे दिया बोलने के बाद हम स्तुति करते हैं। No, here it is meant it's so when the Jericho walls of Jericho were there, they started praising God. किंतु यहाँ की घटना को देखने के समय में जब यरीहो की दीवार खड़ा ही था उस समय में भी वे लोगों ने परमेश्वर की स्तुति किया। These days, God is looking for a group of people who would praise Him at all times. परमेश्वर एक ऐसे दल को ढूंढ रहा है जो हर समय परमेश्वर को स्तुति करे। David was a person who had to go through lots of problems. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारी समस्याओं से गुजरा। Water after water, as Pastor was mentioning. और एक पानी के पीछे दूसरा पानी लगातार एक के पीछे एक आते जा रहा था, जैसे पास्टर जी ने कहा। There was no rest, there was no respite. उसके जीवन में कोई विश्राम नहीं, आराम नहीं। He hardly slept in his room. वो अपने कमरे में बहुत ही अल्प शायद सोया होगा। A good portion of his life he spent in a cave called Adullam. और अपने जीवन का अधिकांश समय अदुला नाम के गुफा में ही बिताया। From one jungle to another mountain. एक जंगल से दूसरा पहाड़। In the midst of all these things, what sustained him? इन सारे मार्गों में दाऊद को किसने संभाला? Lions are around me. मेरे चारों ओर सिंह हैं। Dogs are barking at me. कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं। But I will sing praise to him. किंतु मैं उसके मध्य उसकी महिमा करूंगा, स्तुति करूंगा। In the midst of trials and temptations. क्लेश और परीक्षाओं के मध्य। So sing praises to God. हम परमेश्वर की स्तुति का गीत गाएं। Sing praises to God. हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। Say the Lord is good, His mercy endureth forever. हम बोले परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। शक नहीं है कुछ यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। शक नहीं है तुझ इसमें, मेरा यीशु भला है। यीशु भला है, चल भी और छठ हैंड सुनसी सब ताली बजाते हुए गीतों गाइए। शक नहीं है तुझ इसमें, मेरा यीशु भला है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। शक नहीं है तुझ इसमें, मेरा यीशु भला है। हालेलुया, हालेलुया। It appears as if many of you do not know this song. ऐसा लगता है मानो ये गीत कईयों को मालूम ही नहीं है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। God is good, His mercy endureth forever. हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। So therefore, from there he is going to place called Jordan. और उसके बाद इस यरीहो से वे लोग यर्दन की ओर गए। Again, this mantle comes into picture. और अभी दोबारा ये चादर को हम लोग दृश्य में आते हुए देखते हैं। What does Elijah do? एलिया ने क्या किया? He folds it into two. उसने उसको दो में मोड़ दिया। Smote that water. और मोड़ के उस चादर को हाथ में लेकर के पानी में दे मारा। Water separated. यद नदी दो भाग हो गई। God is God of miracles, you must understand. हम इस बात को समझने की हमारा ईश्वर अद्भुत काम करने वाला ईश्वर है। Sometimes all your roads may be blocked. कई बार आपके सारा मार्ग में रुकावटें बाधाएं होगा। I pray for healing and healing and nothing has happened. मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होता। I am praying for the marriage of my daughter, nothing is happening. मेरी बेटी के विवाह के लिए मैं कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। What does the girl say? और वो लड़की क्या कहती है? Can I discuss this with anyone? क्या मैं ये किसी के साथ इस दुख को मैं बांट सकती हूँ? How long will I wait? कब तक मैं इंतजार करूंगी? Everything is closed. हर चीज उलट गया है। Take this mantle in your hand. अपने हाथ में चादर ले।
हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं. सो इट मे बी अ बॉयस्ट्रस सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड. इट मे बी समथिंग लाइक अ बॉयस्ट्रस सी. हो सकता है कि आपके जीवन में ये एक आंधी तूफान से भरा हुआ समुद्र की नाई हो. व्हाट डू वी रीड इन द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 15. यहोशू की किताब तीसरे अध्याय के 15 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? And as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest. और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यर्दन के तीर के जल में डूब गए. यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता था. Often it flows beyond the banks. और अक्सर ये यर्दन का पानी तीर के ऊपर बहता था. सो देन हाउ विल आई क्रॉस दिस? अब मैं कैसे इसे पार करूं? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई विल ड्राउन, आई डोंट इवन नो हाउ टू स्विम. मुझको तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मैं कैसे इस नदी पार करूं? बट एट द सेम टाइम व्हाट डज दिस मेंटल डू? कि तो उसी समय में इस चादर ने क्या किया? इट हैज गॉट ग्रेट पावर, यू मस्ट अंडरस्टैंड. ये आप इस बात को समझ लें कि ईश्वर में एक बहुत बड़ी शक्ति है. It is not natural, it is supernatural. ये एक प्राकृतिक शक्ति नहीं, ये अलौकिक या स्वर्गीय शक्ति है. I am trying and trying, I am not able to pass this exam. मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता. You know the story of Abraham Lincoln? आप अब्राहम लिंकन की कहानी जानते हो? He failed over and over again. वो बारंबार परीक्षा में फेल होता रहा. Apart from that, he tried in politics also, nothing would click. राजनीति में भी कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा. But finally he became the president of America. लेकिन आखिर में देखो वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया. And by that it doesn't mean that you want to, we all want you to be presidents of America. इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये चाहते कि आप सब जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए. No, it's not that. ये ऐसा नहीं है. But at the same time, anything which is blocked can be opened by this power. लेकिन उसी समय में जो भी कुछ तेरे रास्ते में बाधा स्वरूप है वो इस स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा हट सकता है, निकल सकता है. What is mentioned in the book of 1 Peter chapter 1 verse 4? पहला पत्रस पहले अध्याय के चौथे वचन में क्या लिखा है? In his divine strength there is power, there is all things pertaining to life and godliness. उस जीवन और भक्ति की सारी सामर्थ उसमें है. Read that verse. Is it second Peter chapter 1 verse 4? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए. Second Peter. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. No, not this. In this divine power there is all things pertaining to life and godliness. दूसरा पत्रस पहला अध्याय का तीसरा वचन. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. What is there in the divine power? उस ईश्वरीय सामर्थ में क्या है? First of all those who receive the Holy Spirit, lift up your hands and shout hallelujah. सबसे पहले जितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए हाथ उठा के हालेलुया बोलिए. All others who have not received the Holy Spirit, you wait tonight. और जो दूसरे लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए आज की रात के इंतजार सभा में बांट दो ना. दिस पावर इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन. और ये जो सामर्थ्य आपके समझ के बाहर है. व्हाट डज दिस पावर डू? ये सामर्थ्य क्या करता है? इट इज एज आई मेंशन अर्लियर, इट इज द फैकल्टी और एबिलिटी टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम बियॉन्ड योर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन. और जैसे कि मैं आपको मैंने पहले भी बताया कि ये वो सामर्थ्य जिस सामर्थ्य के द्वारा आप कहीं पर भी किसी भी समय में किसी भी प्रकार के रीति की परिस्थिति में आप इस सामर्थ के द्वारा जय पा सकते हो. इट इज अ की विच कैन ओपन ऑल क्लोज डोर्स. ये एक ऐसी चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल दे. इन माई यंगर डेज इन द बिगिनिंग ऑफ माई मिनिस्ट्री आई रिमेम्बर, मेरे जवानी के समय में मेरे सेवा के आरंभ के दिनों को मैं याद करता हूँ. आई वॉज रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, आई वोंट मेंशन व्हाट इट वॉज. मैं एक खास सेवा करने के लिए मुझे कहा गया, वो सेवा क्या है मैं नहीं कहूंगा. बट आई वॉज
I was not fit for that, I know. किंतु मैं जिस बात से मैं जानता था कि उस सेवा को करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ. One day when I was just standing in the presence of God. एक दिन जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में था. As if a blanket or a mantle fell upon me. ऐसा लगा मानो परमेश्वर का चादर मेरे ऊपर आ गिरा. Then afterwards everything became easy. और उसके बाद मेरे लिए सब कुछ सहज हो गया. The things which I never thought would be possible through me. जो चीज मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कर सकता हूँ मेरे लिए आसान हो गया. I cannot forget that particular day. I have not noted that. It must be somewhere in 81 or 82. मैंने उस दिन उस तारीख को नोट नहीं किया किंतु 81-82 साल के आसपास की बात है. उस दिन एक सामत के द्वारा उस दिन से सब कुछ बदल गया. You honor God, honor the children of God. Follow that role model Elijah. और आप लोग जो परमेश्वर के सारे संतान हो इस एलिया को अपना आदर्श स्वरूप ले लें. When he will open the doors for you, he will open the way for you. वो आपके लिए मार्ग, वो आपके लिए रास्ता खोल देगा. The things which are impossible for man are possible with God. जो चीज मनुष्य से ना मुमकिन है ईश्वर के द्वारा वो मुमकिन है. Every day go to the presence of God and get filled with this power. हर एक दिन परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के सामर्थ में भर जाओ. Get filled with this dunamis. और इस dunamis से भर जाइए. No rock will be too strong for you. कोई भी चट्टान आपके लिए फिर ज्यादा कठिन ना होगा. No water will be too deep for you. कोई भी पानी आपके लिए गहरा ना होगा. No sea will be boisterous for you. कोई भी समुद्र आपके जीवन में आंधी तूफान का लहर लाने नहीं पाएगा. With the power of God, go forward. परमेश्वर के सामर्थ्य आगे बढ़ो. Or in this divine power, there is all things pertaining to life and godliness. इस ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा जीवन और भक्ति की सारी सुविधाएं आवश्यकताएं है. Some have a wrong notion about this power. कई लोगों को इस सामर्थ्य के बारे में गलतफहमी है. They think that it is only for spiritual things. कुछ लोग सोचते हैं कि इस ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा केवल आत्मिक बातें ही मिलेगा. No, all things pertaining to godliness and life also. लेकिन वचन कहता है जीवन के लिए भक्ति के लिए सब कुछ मिलेगा. What do you need for this life? इस जीवन के लिए आपको क्या चाहिए? You need a job. आपको नौकरी. You need qualification. आपको पढ़ाई चाहिए. You need a husband. You need wife. आपको एक पति नहीं तो पत्नी चाहिए. You need a house. You need a cozy place to stay. आपको रहने का ठिकाना चाहिए, एक मकान, एक घर चाहिए. All those things are there in this divine power. इस ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ है. But one thing you should do. कि तो एक बात आप करना है. Don't go after those things. केवल आप इन्हीं बातों के पीछे ना जाओ. Let those things come after you. किंतु ये सारी चीज हमारे पीछे आने दे. What was the commandment given by our Lord and Savior Jesus Christ? हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के द्वारा क्या आज्ञा दिया गया? Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things will be added unto you. उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें आपको दिया जाएगा. You take hold of God. आप परमेश्वर को पकड़ लीजिए. You try to be holy. आप पवित्र होने की कोशिश करो. Oh, that good Elijah, I would like to become like you. अच्छे एलिया, मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ. I would like to follow you. मैं तेरा अनुकरण करना चाहता हूँ. You are my role model. तू ही मेरा आदर्श है. Forgetting that if you do anything, it will be a loss for you. अगर इन बातों को भूल के अन्य बातों की आप ध्यान करोगे तो आपके लिए भारी नुकसान. Last month I heard a beautiful testimony about a young girl. एक जवान लड़की के संबंध में एक सुंदर गवाही को मैं पिछले महीने सुना. From Nagaland. वो नागालैंड से है. Always should be in the faith home. वो हमेशा विश्वास भवन में रहती थी. She was doing her final exams. वो अपने final exam कर रही थी. She was an interpreter also. साथ ही साथ वो अनुवाद भी करती है. And she was working in the convention ground. और convention सम्मेलन मैदान में जब काम कर रही थी. Always busy. हमेशा व्यस्त. She didn't have time to study. पढ़ने को समय नहीं. And later her exams came up. और साथ ही साथ परीक्षा का समय आ पहुंचा. And she asked God, Lord, I was not able to study. What will I do now? और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि हे प्रभु, मैं सम्मेलन में इतना व्यस्त रही कि पढ़ाई नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूं? God gave her abundance of grace. परमेश्वर ने उसे बहुतायत का अनुग्रह दिया. You know, she became a gold medalist in final exam. और आपको पता है परिणाम ये हुआ कि फाइनल एग्जाम में वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गई. And she was able to go for a master's without any hindrance. और बिना किसी रुकावट के आगे की पढ़ाई के लिए वो बढ़ गई. Because she is not originally from Nagaland, she is from Nepal. और वो वास्तविक रीति से नागा से नहीं है किंतु नेपाल से संबंधित. It was not easy for her to get admission to MCOM. और MCOM के लिए इतने आसानी से दाखिला मिलना आसान नहीं था.
because of her merit, they had to give her seat. किंतु इतने अच्छे नंबरों से पास होने के कारण उसको मिल गया सीट. So you honor God, honor the children of God. इसके लिए परमेश्वर के लोगों, आप ईश्वर को आदर करो, परमेश्वर के लोगों को आदर करो. Jordan will open up for you. आपके लिए यर्दन खुल जाएगा. So there is a verse in the book of Psalms. भजन में एक वचन है. Why, oh hills, why are you leaping? Oh, hey, पहाड़, तू क्यों कूद रहा है? Oh Jordan, why are you running away? Hey, यर्दन, तू क्यों भाग रहा है? You will not run looking at Jordan. आप यर्दन को देख करके भागोगे नहीं. Looking at that mountain, you will not run. उस पर्वत को देख करके आप दौड़ोगे नहीं. So those will leap like calves, it is mentioned. किंतु वो आपको देख करके बछड़े की मानिंद कूदेंगे और भागेंगे. Our God is in our midst tonight. आज की रात हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है. So let the power of God come upon us once more. एक और बार परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आने दे. About 10 more minutes. मैं और 10 मिनट लूंगा. So what does the word of God say? वचन क्या कहता है? Now he is taken up. और अभी ये एलिया उठा लिया गया. Mantle again falls on him. एक और बार ये चादर एलिया की एलिशा के ऊपर गिरा. He picks it up in his hands. उसने उस चादर को अपने हाथ में लिया. Earlier Elijah was there. Now how am I? What am I doing? Going to do now? पहले तो एलिया मेरे साथ था. अभी मैं क्या करूं? कैसे वापस जाऊं? There are times when your role model will be removed from you. ऐसा भी समय आपके जीवन में आएगा कि जिसको आप नमूना या आदर्श मानते हो वो आपके साथ ना हो. A servant of God who had helped you so far may be removed from you. जो सेवक अक्सर आपकी मदद करते हैं वो आपके जीवन से कहीं निकल जाए. Now you'll have to again go back. अभी आपको वापस जाना है. You'll have to cross this Jordan alone. आपको दोबारा अकेले यर्दन पार करना है. What does he say now? अब उसने क्या कहा? Read that particular portion. उस खास वचन को आओ हम पढ़े. Chapter 2 verse 14. दूसरा अध्याय के 14 वचन को. Second Kings 2:14. दूसरा राजा दूसरा अध्याय 14 वचन. And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, Where is the Lord God of Elijah? And when he also had smitten the waters, they parted hither and thither, and Elisha went over. और उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहा है. जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया. प्लीज बी टू गॉड. परमेश्वर की स्तुति हो. व्हाट डज जीसस से? यहाँ पर उसने क्या कहा? व्हाट डज जीसस से? ईश मसीह ने क्या कहा? ही दैट बिलीवेथ इन मी, जो कोई मुझे विश्वास करता है, He will do the things which I have done. जो कुछ मैंने किया है वो भी करेगा. I will do and he will do much more also. और मुझसे बढ़ करके करेगा. Dear children of God, we have come to that dispensation. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उस युग में आ पहुंचे हैं. God will use you for his glory in the coming days. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा. Now he says, my God, the chariot of God and the horsemen thereof. अभी वो कहता है कि हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों. Now he is coming back. He has to come back. वो वापस आने वाला है. What does he say? वो क्या कहता है? He doesn't say, Where is Elijah? वो उसने ये नहीं कहा कि एलिया कहाँ है. Where is my master Elijah? उसने ये नहीं कहा कि मेरा गुरु एलिया कहाँ है. He doesn't say that. उसने ये नहीं कहा. What does he say? उसने क्या कहा? Where is God of Elijah? एलिया का ईश्वर कहाँ है? So now is the time for you to stand close with God. अभी वो समय आ पहुंचा जहां आप ईश्वर के समीप खड़े हो. Trials and temptations are raging everywhere. हर एक जगह में, हर एक स्थान में क्लेश परीक्षा उठ रहा है. You may have servants of God. You may not be having servants of God. They may be taken away from you. आपके लिए सेवक हो सकते हैं, आपके लिए सेवक नहीं भी हो सकते. हो सकते कि सेवक आपसे दूर चले गए हो. This is what you'll have to speak now. ऐसे समय में आपको क्या कहना है? So this must be your chanting. Your chanting must be this. यही आपका मंत्र उच्चारण होना चाहिए. Where is God of Elijah? एलिया का ईश्वर. It's not questioning God, where is Elijah? आप ये सवाल मत पूछना कि एलिया कहाँ है. Now God is with you now. अभी परमेश्वर आपके साथ है. As invisible God, He is with us. You must understand. आप इस बात को समझ लें कि अदृश्य ईश्वर हमारे बीच में है. There are times then when you need servants of God to help you. आपको मदद करने के लिए एक समय था जहाँ पर सेवक आपके लिए थे. But at the same time,
there are times when you have to do the ministry alone. अब ऐसा भी एक समय है जहाँ पर आपको अकेले और अकेले सेवा करना पड़ता है. Believers, you have to walk through this path all alone. आप कई विश्वासियों को इस मार्ग में अकेले चलना पड़ता है. In the last days, we'll face so many trials and temptations. अंतिम दिनों में अनेक क्लेश आजमाइशों का सामना हम करेंगे. But have this mantle in your hand. अपने हाथ में चादर रखते. So keep this power. Let this power of God work in your body, soul and spirit. ये परमेश्वर की सामर्थ आपके आत्मा प्राण शरीर में काम करे. That mantle is all sufficient for you. और ये चादर आपके लिए काफी है. What happened in the life of Elijah? Elisha. Elisha के जीवन में क्या हुआ? If you look at the history. अगर आप इतिहास देखोगे. Elijah performed 8 miracles. Elisha ने जो है 8 अद्भुत काम. Elijah performed 8. एलिया ने जो है 8 अद्भुत आश्चर्य कामों को किया. Elisha performed 16 miracles. उसी समय में एलिशा उसका शिष्य जो है 16 आश्चर्य काम करता है. What was the desire of Elisha? एलिशा का आग्रह क्या? What was the desire of Elisha? एलिशा का आग्रह क्या? Give me the double portion of the power that you have. तेरे पास जो सामर्थ्य और सामर्थ्य का दो गुना मुझे दे. So this is what God would like to give you tonight. आज की रात परमेश्वर आपको वही देना चाहता है. May I repeat you once more? एक बार मैं दोहराऊं क्या? So it doesn't mean that it is only for servants of God. मैं फिर से कहता हूँ कि ये केवल सेवकों के लिए नहीं. Whether you are a believer, whether you are a servant of God, you need this. आप सेवक हो या विश्वासी, सबको ये चाहिए. What is mentioned in the book of Zechariah chapter 9? जकरिया की किताब 9 अध्याय में क्या उल्लेख है? So then I will give you double fold. मैं दो गुना दूंगा. What is mentioned in the book of Isaiah chapter 6? यशायाह की किताब 6 अध्याय में क्या लिखा है? For my priests who have gone through this reproach, they will have double. और मेरे ये याजक जो निंदा के मार्ग से गए, उनको दो गुना मैं दूंगा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट दिस विल हैपन टू यू. अब मैं इस बात को नहीं जानता कि कितने इस बात को विश्वास करते कि ये मेरे साथ होगा. द पावर दैट वी हैव, इट इज नॉट सफिशिएंट. जो सामर्थ हमारे पास है ये काफी नहीं. सो द अनॉइंटिंग दैट वी हैव, इट इज नॉट इनफ. जो अभिषेक है ये काफी नहीं. वी ऑल एडमिट that the anointing which we had earlier is diminished to a large extent. आइए हम लोग इस बात को कबूल करें, मान लें कि जो अभिषेक समय में हमारे अंदर था वो धीरे धीरे कम होते गया और वो बहुत लंबे समय से नहीं दिखाई दे रहा. These days God is looking at a person who is upright in his heart. इन दिनों में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो हृदय में खरा है. Forget about your mistakes. Forget about your faults. आपकी कमी घटी, आपके गलतियों को भूल जाओ. It doesn't mean that you should continue in your sin. इसका अर्थ ये नहीं कि उस कमी घटी में गलतियों को दोहराते रहो. Confess them and then fall at his feet. और उस सारी कमी घटी को, गलतियों को स्वीकार करके उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाओ. An anointing awaits you. एक अभिषेक इंतजार कर रहा है. He is there with us even tonight also. आज की रात भी वो अभिषेक हमारे मध्य है. How many of you would like to have this double fold anointing? कितने लोगों को दो गुना अभिषेक चाहिए? I would like all of our youth to be on your knees. मैं चाहता हूँ कि सारे जवान घुटने में हो जाएं. The mantle of Elijah is falling upon you now. आपके ऊपर एलिया का चादर देखो गिर रहा है. The next generation, you are going to carry on with this ministry. आप अगली पीढ़ी हो, ये सेवा को आपको ही आगे ले चलना है. Especially in cricket and other games. क्रिकेट के खेल में, दूसरे खेलों में. Our boys know this very well. हमारे बच्चे, जवान लोग अच्छे से जानते हैं. So then when they say that mantle has fallen upon him, what is the meaning? और जब ये कहा जाता है कि उसके ऊपर चादर गिरा, उसका अर्थ क्या है? What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? The captaincy has fallen upon him. उसका अर्थ है कि अब कप्तानी उसके ऊपर गिरा है. Earlier one person was the captain and that has fallen upon you. पहले कप्तान कोई और था, अभी कप्तानी का चादर उसके ऊपर गिर गया. Even the worldly people quote the word of God. देखो संसार के लोग भी वचन की बातें करते हैं. And the mantle of that particular person has fallen upon him. उस व्यक्ति का चादर दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिरा. That is not our botheration. इन सारी बातों से हम चिंतित नहीं है. But at the same time, there is something called mantle of God coming upon us. लेकिन उसी समय में ईश्वर के एक चादर हमारे ऊपर आ रहा है. Mantle of that good Elijah coming upon us. एलिया का चादर देखो हमारे ऊपर उतर रहा है. You believe that? क्या आप विश्वास करते हो? If you believe, thou would see the glory of God. अगर तू विश्वास करेगा
तू ईश्वर की महिमा देखेगा. ऑल क्लोज योर आईज. सब लोग आंखों को बंद करें. इवन स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो क्लोज योर आईज. छोटे छोटे बच्चे भी आंखों को बंद करें. आई बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू यूज आवर चिल्ड्रन आल्सो फॉर हिज ग्लोरी. मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा. आई वॉज मेंशनिंग अबाउट माई अंकल यस्टरडे. मैं बीते कल मेरे अंकल के बारे में आपको बताया था. हाँ, सो देन ही वाज ओनली अ 13 ईयर ओल्ड बॉय. उस समय में वो एक 13 साल का लड़का था. एन अनॉइंटिंग फेल अपॉन हिम. लेकिन जब अभिषेक आया, माई फैमिली वॉज नेवर द सेम. मेरा परिवार दोबारा वैसा नहीं रहा. सो देवर ऑल CSI क्रिश्चियन, नॉमिनल क्रिश्चियन. उन लोग एक नामधारी CSI के मसीही थे. बट वेन द अनॉइंटिंग केम अपॉन देम. लेकिन जब अभिषेक आया, द होलीनेस, द पावर ऑफ होलीनेस फेल अपॉन देम. पवित्रता की आत्मा उसके ऊपर उतर गया. You see, it started working to such an extent. इतना इस हद तक शैतान वहाँ काम कर रहा था. My mother was a young girl. मेरी माँ एक जवान थी. Just married or something. और वो हाल ही में उनका विवाह हुआ था. So then she was going for a meeting. वो एक प्रार्थना सभा में जाती थी. Along with my uncle's wife, sister-in-law. और मेरे अंकल के पत्नी के साथ. So then they were on the way to the worship. उन लोग आराधना की ओर जा रहे थे. They were just discussing. आपस में बातचीत कर रहे थे. Now, where did you buy this saree? तुमने ये साड़ी कहाँ खरीदा? It is so nice. बहुत सुंदर है. How much money did you give for this saree? कितना इसके लिए आपने पैसा दिया? They went for worship. उन लोग आराधना जा रहे हैं. Immediately prophecy. और उन लोग भविष्यवाणी. It was not time for prophecy. भविष्यवाणी का समय नहीं है. Usually after singing they wait. And then after that is the time for prophecy. साधारण रीति से गीत गाने के बाद इंतजार करके भविष्यवाणी का समय होता है. As they step into that worship hall. जैसे ये दोनों मिलकर के परमेश्वर के भवन में पहुंचे. What were you discussing today? और तुरंत भविष्यवाणी हुआ, तुम लोग आज क्या बात कर रहे थे? You are coming for worship. What were you discussing? आराधना में आ रहे थे, क्या बात कर रहे थे? Is this the time for you to discuss about such things? क्या ये बातों को बातें करने का यह समय है? My mother started to tremble. मेरी माँ थरथराने लगी. Even small things God started convicting them. छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर उनको दोषानुभूति देने लगा. When this mantle falls upon you, जब ये चादर आपके ऊपर गिरेगा, there'll be a great desire for holiness. एक पवित्रता का आग्रह आपके अंदर आएगा. You will abhor all earthly things. सारे संसारिक बातों को आप छोड़ दोगे. The things that you relished most. और जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे, पकड़े थे. The things that you thought that you will never be able to give up. जो आप सोचते थे कि इस चीज को मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा. यू थ्रो देम इन द गार्बेज. आप उसको कूड़ादान में डाल दोगे. यू विल कंसिडर देम एज डस्ट एंड डंग एंड एशेस. आप सोचोगे कि ये चीज जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय था, वो एक राख है, एक गंदा कूड़ा है. लेट दैट मैंटल फॉल अपॉन यू टुनाइट. चादर आपके ऊपर आज की रात गिरने दे. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज. अपनी आंखें बंद करो. डोंट ओपन योर आईज एट ऑल. कोई भी आंख मत खोलिएगा. इवन स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो क्लोज योर आईज. छोटे बच्चे भी आंखों को बंद रखे. यू वॉन्ट दैट मैंटल. क्या आपको ये चादर चाहिए? Even today, so it has not stopped him with Elisha. एलिशा के साथ ये चादर गिरना बंद नहीं हुआ. Now he's dropping that mantle on many of you tonight. आज ये बहुतों के ऊपर ये छात्र गिर रहा है, आ रहा है. First of all, for your life, for your holiness. सबसे पहले आपके जीवन के लिए, आपकी पवित्रता के लिए. Later, whatever ministry the Lord has for you. जो भी कुछ सेवा आपके लिए रखा हुआ बाद में. It may be for your ministry as a believer or as a servant of God. एक विश्वासी के रहते सेवा करने वाली सेवा हो या सेवक बन के करने वाली सेवा हो. Close your eyes now. अभी आंखों को बंद करो. Do you have a desire for that? क्या आपको अंदर एक आग्रह है? Lord, I want that mantle to fall upon. प्रभु, मैं चाहता हूँ कि वो चादर मेरे ऊपर गिरे. Let it fall upon me right now. प्रभु, अभी 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 मेरे ऊपर गिरने दे. I will live for thy glory. मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा. I will live for thy glory. मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा. I will live a holy life. मैं पवित्र जीवन जीऊंगा. I will not live for myself. मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा प्रभु. I will live for thy glory. मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा प्रभु. You can see so many mantles fall upon him, falling upon us now. आप कई जगहों में आप देख सकते हो कई चादर गिर रहा है. हालेलुया. Don't keep anything back.
कोई भी चीज को आप पकड़ करके मत रखो. इट इज नॉट वर्थ कीपिंग. उसे पकड़ के रखना सही नहीं है. आई वॉन्ट बी एबल टू गिव अप दिस. मैं इसको छोड़ नहीं सकता. ओ यंग मैन, यंग लेडी, यू गिव इट अप. हे जवान भाई, हे जवान बहन, छोड़ दे. यू आर टू प्रेशियस टू गॉड. तू परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है. यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड. आप ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो. यू मे बी समवेयर फार अवे फ्रॉम दिस टेबल. शायद तू इस मेज से दूर बैठा है. द आईज आईज ऑफ गॉड हैज सीन यू. किंतु परमेश्वर की आंखें देखो तुझे देख रहा है. नो आई कैन नॉट गिव अप. नहीं नहीं मैं दे नहीं सकता. नो दैट विल फॉल अपॉन यू. नहीं अभी वो तेरे ऊपर गिरेगा. से लॉर्ड आई सरेंडर. हे प्रभु मैं अपने आप को सौंप देता हूँ. व्हाटएवर यू वांट मी टू डू आई एम प्रिपेयर्ड टू डू. जो भी कुछ तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ मैं करूंगा. Along with that, you'll be healed of all your sicknesses also. उसके साथ ही साथ तेरे सारी बीमारी से तू चंगाई पाएगा. Some of you are more worried about your sickness than your sin. कई लोग अपने पाप से भी बढ़कर के अपने बीमारी के लिए चिंतित है. No, sin, that is a deadliest enemy. नहीं नहीं ये जो पाप है आपका सबसे बड़ा एक शत्रु है. Along with that, God will heal you of your sickness too. उसके साथ ही साथ आपके बीमारी से भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा. An anointing is coming upon you right now. एक अभिषेक आ रहा है. God is filling you with his now. परमेश्वर अपने प्रेम से तुझे भर रहा है. Shall we all stand up for some time? आइए हम सब खड़े हो जाएं. Shall we all stand up for some time? आइए सब खड़े हो जाएं. खड़े हो जाएं. Don't open your eyes. Don't open your eyes. कोई भी आंख मत खोलिएगा. कोई भी आंख मत खोलिएगा. This is the time when the Lord is throwing his mantle upon you. यही वो समय है. हाँ यही वो समय है जहाँ पर परमेश्वर अपनी चादर देखो आपके ऊपर फेंक रहा है. You want that? एक स्पर्श से. डू यू वॉन्ट दैट? एक स्पर्श. डू यू वॉन्ट दैट? क्या आपको वो चाहिए? से लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ. हे प्रभु मैं अपने आप को सौंप देता हूँ. वट एवर योर विल इज. जो भी कुछ तू चाहता है. वट एवर योर विल इज. जो भी कुछ तेरा आग्रह है. आई एम प्रिपेयर टू डू दैट. वो तेरी मर्जी करने को मैं तैयार हूँ. Close your eyes. Close your eyes. अपनी आंखों को बंद रखिए. बंद रखिए. There is a fire in our midst tonight. हमारे बीच में आज की रात एक अग्नि है. We are in the last days. हम इस बात को समझ लें कि हम लोग अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं. We are in the last days. हम लोग अंतिम दिनों में हैं. We don't have any time for 5-year plan and 5-generation plan. पांच पीढ़ियों का योजना, पांच साल का योजना करने का और समय नहीं. Today is the day of salvation. आज ही उद्धार का दिन है. Today is the acceptable time. आज ही वो सुप्रसन्नता का दिन है. Today is the time when the Lord is touching you. आज ही परमेश्वर वो दिन है जो आपको छू रहा है. You may be the worst of the sinners. आप सारे पापियों में प्रधान होंगे. You may consider yourself to be dirty. I'm not worthy. आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ही गंदा हूँ, मैं योग्य नहीं. God wants you. किंतु परमेश्वर आपको ही चाहता है. You may think that I am a donkey. आप सोचते होंगे मैं तो गधा हूँ. I am a jackass. Jackass means male ass. मैं गधा हूँ. But at the same time. लेकिन उसी समय में. That ass doesn't want Jesus to ride over that. लेकिन ये गधा कभी नहीं चाहा कि यीशु मेरे ऊपर सवार हो. But Jesus wants. किंतु यीशु ने चाहा. That donkey doesn't want Jesus to ride over it. वो उस गधे के बच्चे ने कभी नहीं चाहा कि मेरे ऊपर यीशु सवार हो.
But Jesus wants that donkey. किंतु यीशु उस गधे को चाहा. You may be a foolish person. आप एक मूर्ख व्यक्ति होंगे. You may be unholy. You may think yourself to be unholy. आप एक अपवित्र होंगे. अपने आप को अपवित्र सोचते होंगे. But at the same time, Jesus wants you. लेकिन यीशु आपको चाहता है. Because he has given his life. क्योंकि उसने अपना जीवन आपके लिए दिया है. What does Elijah say? एलिया क्या कहता है? What have I done for you? Remember what I have done for you. इस बात को स्मरण कर, मैंने तेरे लिए क्या किया है? What I have done for you. Remember what I have done for you. इस बात को स्मरण रख, मैंने तेरे लिए क्या किया? This is what Jesus is asking you now. यीशु मसीह वही बात आपसे पूछता है. I have given my life for you. मेरा जीवन मैंने तेरे लिए दिया. I have given my last drop of blood for you. मैं अपने जीवन की आखिरी बूंद खून भी तेरे लिए बहा दिया. What is that that I have not done in your life? मैंने ऐसा किया नहीं किया तेरे जीवन के लिए. What will you do for me? अब तू मेरे लिए क्या करेगा? You got very less time left. अब अल्प समय तू चिंता ना कर. शराबा का थुरा रबा का शराबा शराबा का थुरा रबा का शराबा. Think of the love of God. यीशु के प्रेम को स्मरण करो. Think of the love of God. परमेश्वर के प्रेम को याद करो. प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा कहता मुझे अपार. प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा देता मुझे अपार. सबसे अधिक मुझे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. यीशु का अनंत प्यार दिलासा देता मुझे अपार. प्रभु यीशु का अनंत प्यार दिलासा देता मुझे अपार. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलूं उसके मार्ग पर. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. सबसे अधिक मुझसे प्यार किया कि चलो उसके मार्ग पर. Praise the Lord, praise the Lord, I'm a cut to the Lord, I'm pushing on. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Don't go from here without an anointing. अभिषेक के बिना, अभिषेक के बिना आप इस स्थान से लौटना नहीं. Without receiving that mantle, don't go from here. उस चादर को पाए बगैर, उस चादर को लिए बगैर आप इस स्थान से लौटना नहीं. God has given you one chance, it may be the last chance. परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, शायद ये आपके लिए आखिरी मौका हो. Receive that and go. इसलिए इसको पा करके तू यहाँ से लौटना. You will turn the world upside down. You will turn the world upside down. आप इस संसार को उल्टा कर डालोगे. First of all, there'll be great change in your life. सबसे पहले आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा. Take that mantle in your hand. उस चादर को अपने हाथ में ले ले. Lord, I want that now. हे प्रभु, मुझे अभी वो चादर चाहिए. Not tomorrow, right now. मुझे कल नहीं, आज अभी चाहिए. Should you get over there? Can I walk out? Should I walk out?
Servants of God, as are mentioned as flaming spirits. परमेश्वर के सेवकों को आग की ज्वाला करके कहा गया है. Not only on the servants of God. केवल सारे सेवकों के लिए केवल नहीं. But potential servants of God also. हर एक लोग जो उस सेवा के योग्य सामर्थ रखते हैं. There are young boys in here. कुछ जवान बच्चे यहाँ हैं. Young boys and girls are here. कुछ जवान लड़के लड़कियाँ यहाँ हैं. This mantle will come upon you now. अभी परमेश्वर का वो चादर तेरे ऊपर आएगा. Whether you like it or not. आपको पसंद हो या ना हो. Whether you ask for it or not. आप मांगो या ना मांगो. An anointing will come upon you. एक अभिषेक आपके ऊपर आएगा. The time for Elijah to be taken up is at hand. एलिया उठा लिए जाने का समय देखो आ पहुंचा. The trumpet will sound. तुर्री फूका जाएगा. You will be transformed. आप बदल जाओगे. The trumpet will sound. तुर्री फूका जाएगा. I will be transformed. मैं बदल जाऊंगा. Will you make that confession? क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे? By the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. The trumpet shall sound. और जब वो तुर्री फूका जाएगा. By the grace of God I shall be transformed. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं बदल जाऊंगा. गाए जय गीत गाए आनंद देश गाए 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 जय गीत गाए आनंद देश गाए प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की गुवारी के लिए गाए गाए जय गीत गाए आनंद दिल से गाए 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 जय गीत गाए आनंद दिल से गाए प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की कुवारी के लिए प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की कुवारी के लिए प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की कुवारी के लिए प्रभु यीशु राजा बहुत जल्दी आता सियों की कुवारी के लिए If it is so glorious here, अगर यहाँ ही इतना महिमा है. How glorious it will be in the coming world. आने वाले उस राज्य में कितना अधिक महिमा होगा. Rejoice in the, just for 2 minutes. और 2 मिनट के लिए आओ इसके लिए हम लोग खुशी मनाएं. If here it is so glorious. अगर यही इतना आनंद इतना तेजोमय महिमा में है. How glorious it will be in the coming world. ओ आने वाले उस राज्य में कितना अधिक महिमा और तेज होगा. Please, sir.
खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म। क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। खुशी मनाएंगे हम, सारे दुख मुसीबत होंगे खत्म। चूंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। चूंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। चूंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सब पाएंगे। हम सब शामिल होंगे, हालेलुया सब पाएंगे। चूंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल For all the goodness of the Lord, let's praise God. परमेश्वर की सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise God, 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 praise God. God undertook for our meeting for which let's praise God. Permission हमारे सभा का बोझ उठाया इसलिए उसका धन्यवाद करें। Praise God, 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 praise God. When the rains threaten to stop this meeting, God has given us this place. We'll praise God. जब बारिश ने ये कहा कि सभा को बंद करो, उस समय में परमेश्वर ने ये स्थान हमारे लिए प्रस्तुत करके दिया, इसलिए आओ परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। That God may bless the authorities who gave us this place. Let's praise God. और इस स्थान को देने वाले जो अधिकारियों ने इस स्थान में सभा चलाने के लिए जो हमें अनुमति दिया, उनके आशीष के लिए आइए हम धन्यवाद करेंगे। God undertook for us songs and testimony for which let's praise God. परमेश्वर हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, गवाही की सेवा को आशीष किया, धन्यवाद करें। Praise God, 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 praise God. For all the words which we have spoken tonight, let's praise God. आज जो सारे वचनों से परमेश्वर हमसे बात किया, हर एक वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Mantle fell upon Elisha only twice. एलिशा के ऊपर तो केवल दो ही बार ये चादर गिरा। But as far as we are concerned, किंतु हमारे संबंध में going to fall upon us day after day till we go to the other shore. जब तक हम उस पार ना जाएंगे तब तक लगातार हर दिन हर दूसरे दिन ये चादर गिरता ही रहेगा। This mantle, the power of God is all sufficient for us. हमारे लिए ये चादर, ये परमेश्वर की सामर्थ सब में सब कुछ है। Praise God, praise God. इसके लिए धन्यवाद करें। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Giving all honor and glory to God, let's praise God. सारे आदर महिमा ईश्वर को देते हुए धन्यवाद करें। सोद्राम जय मनु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे सर्वशक्तिमान परमपिता, हालेलुया, तुझे सदा धन्य परमेश्वर है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज हमारे लिए सारी रुकावटों को हटाकर प्यारे सर्वशक्तिमान महान काम किया प्रभु जी, और इस स्थान में प्रभु हमें उपासना आराधना देकर हालेलुया हमारे बीच में प्रभु जी अपनी तरह तरह की आशीषों को उंडेलता रहा। प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं। जैसे इसराइलियों के दिनों में तूने यर्दन को प्यारे सर्वशक्तिमान बांटकर इसराइलियों को पार करवाया, इसी तरह से प्यारे प्रभु जी हमेशा तेरे लोगों के लिए बड़े बड़े काम, अद्भुत और अनोखे काम करता रहता है। हम तेरा शुक्र करते हैं।
हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना तुझे सदा धन्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है यारे सर्वशक्तिमान, तेरे बच्चे सब तेरे कदमों में आए हैं, कई तरह की आशीषों को, कई तरह की भलाइयों को उन्होंने देखा है। हम ये विनती करते हैं प्रभु जी, आज जो जो यारे सर्वशक्तिमान वचन उन्होंने सुना है प्रभु जी, जब तक तेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए, एक एक के दिल में मन में ये वचन बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। एलिया की वो चादर जैसे अलीशा के ऊपर गिरी यारे सर्वशक्तिमान, इसी तरह से आज भी बहुत लोगों के ऊपर चादर गिरी, बार बार लगातार ये चादर गिरती रहे, सब यारे सर्वशक्तिमान तेरे बल और शक्ति सामर्थ्य भरपूर होकर यारे सर्वशक्तिमान तेरी इच्छा को करें प्रभु जी, तेरे हाथों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बन जाए प्यारे प्रभु जी, और मसीह के दिन के लिए, महिमा के दिन के लिए योग्य ठहरे। लगातार चलाओ प्रभु जी, साथ रहो, और भी अमेरिकन बाकी समय को अपने हाथों में लेकर चलाना, आशीष देना, बड़े काम करना, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य तुम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। मुंडले लिया सुलंग हेलो।